फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको एक हमारे पास मॉडल आया है एचपी 419। बहुत ही कॉमन मॉडल है ये, एचपी का बहुत अच्छा मॉडल है। एचपी का ये इंक टैंक प्रिंटर होता है, एचपी 419 ये इंक टैंक प्रिंटर होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मोस्टली प्रॉब्लम इसमें E3 E4 का एरर, जो कॉमन एरर है उस टाइप के एरर आते हैं। तो E3 के एरर में क्या होता है, E3 का एरर जब यदि होता है प्रिंटर में, तो उसका आपका E3 के एरर में एनकोडर का प्रॉब्लम अधिकतर पाया जाता है, एनकोडर और डिकोडर का। तो आज हम आपको दिखाते हैं एचपी 419 प्रिंटर में आपको क्या एरर आ रहा है। अभी हम प्रिंटर ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो इस प्रिंटर में हमारे पास एरर आ रहा है E3 का, ये आवाज करता है, कट कट आवाज मारता है। अब हम जब हम इसको कमांड देंगे तो ये E3 का एरर मारता है। ये आप देखो, हमने कमांड दिया तो ये E3 का एरर आ गया है। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, फिर हम आपको उसके आगे बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, वीडियोस मिलती रहेगी, जिससे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो हम अभी आपको बताते हैं। अभी आपने वीडियो में देखा कि E3 का एरर आता है जब हम कमांड देते हैं, प्रिंटर आपका रेडी हो जाएगा, पर जब आप फोटोकॉपी कमांड दोगे तो उसमें उसके बाद E3 का एरर आएगा, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा है। तो अभी हम आपको बताते हैं उसके लिए हमको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। यहाँ पे इसमें चार स्क्रू होते हैं जो मैंने खोले हुए हैं, दो स्क्रू यहाँ पे होते हैं, दो यहाँ पे होते हैं, मैंने इनको खोला हुआ है वीडियो इसके लिए बनाने के लिए। ये स्कैनर और फ्रंट पैनल होता है जिसको हम निकाल लेते हैं। ये आप देखोगे इसमें एनकोडर ये होती है, जब एनकोडर आपकी खराब होती है तो प्रिंटर ये खटखट मारेगा, आवाज करेगा खटखट की, और आप जब कमांड दोगे तो E3 का एरर आएगा या E4 का भी एरर आ जाता है। यदि दोनों एरर आ रहे हैं तो फिर आपका डिकोडर भी खराब होता है, पर इसमें अभी E3 का एरर आ रहा है। तो ये हमारा, इसमें आप देखोगे ये हमारी एनकोडर स्ट्रिप खराब होती है, एनकोडर स्ट्रिप ये होती है, आप देखोगे ये नई एनकोडर स्ट्रिप है हमारे पास, इसको हम एनकोडर स्ट्रिप बोलते हैं। अब हम मैं इसको बदलूंगा तो आप देखोगे इसको बदलते कैसे हैं। कितनी दिखाएंगे एनकोडर स्ट्रिप कैसे चेंज करते हैं, और इसकी प्राइस वैल्यू जो मार्केट वैल्यू होती है 500 की होती है, प्लस हमारा सर्विस चार्ज होता है। तो इस प्रकार ये एनकोडर स्ट्रिप चेंज कर रहे हैं हम। यदि आपको E3 का एरर मिलता है अपनी मशीन में, तो आप इस तरह से खुद भी घर पे भी एनकोडर स्ट्रिप मंगा के आप खुद चेंज कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं होता है। आप हमारे वीडियो से आप धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि ये कैसे किया है चेंज। इस वीडियो के माध्यम से आप देखोगे ये चेंज करके अब इसको फिट कर रहे हैं, फिर आपको प्रिंटर का दिखाएंगे कि आपका हमारा प्रिंटर रेडी होता है या नहीं होता है इसके थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको नए नए वीडियो से आप खुद भी अपने से भी आप प्रिंटर को ना रिपेयर कर सकते हो, यदि आप हमारे वीडियोज को देखोगे। हमारे वीडियोज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हमने एनकोडर स्ट्रिप चेंज करके हम प्रिंटर को चेक कर रहे हैं। अब आप देखो कि कैसे ये प्रिंटर आपका वर्क करता है, इससे सक्सेस होता है हमारा या नहीं होता है। ये इस प्रकार आप देखोगे एनकोडर स्ट्रिप का ही प्रॉब्लम था E3 के एरर में, और जो ये खटखट मारता है वो एनकोडर स्ट्रिप का ही एरर होता है। हमारा वीडियो जो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, आपको किस प्रकार ये यूजफुल होते हैं जरूर, ऐसा भी आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम किस तरीके से आपको फायदेमंद होता है, आपको क्या बेनिफिट हुआ है,
हमारे चैनल में आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये अब आप देखो हमारा प्रिंटर रेडी हो गया है, प्रिंटिंग कर रहा है, अब ये प्रिंट बाहर आ जाएगा ये फोटोकॉपी करके। इस प्रकार ये 419 का बहुत कॉमन फॉल्ट होता है E4 का और E3 का। तो इस प्रकार इसमें E3 के एरर में हम देखेंगे कि हमारा एनकोडर स्ट्रिप खराब होता है, और E4 का यदि एरर हो तो हमारा डिकोडर इसमें एक होता है वो खराब हो जाता है। इस प्रकार आप देखो ये हमारा प्रिंट आ गया है।